अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खबरनामों का जिक्र शुमार है तुहंदिस खिदमतस मंज़ रियाज़ अहमद हज़र। खबरनामो तुह तम वातनास मंज़ तावुन करान लज़्ज़त मसाल पेश खबर तफसील सान। मरकजी सरकारुक अरदहिमे लोकसभा हुंद इजलास सपुद आज नविस पार्लियामेंटस मंज शुरू। तात सिलसिलस मंज आव वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सिंद तरफ अरदहिमे लोकसभा मंज रुकन पार्लिमान सिंद हैसियत हलफ तुलना। यह कथ बावन लायक ज नरेंद्र मोदी आई लगातार त्रेमि लट मुल्क वज़ीर आज़म नामजद कर। नरेंद्र मोदियन वोन हलफ तुलने ब्रोह मीडिया सत कत कर जमहूरियत बापत फख्र कत ये आज़ादी पे आज गोडनिच लटि नविस पार्लियामेंटस मंज हलफ बरदारी हज तकरीब सपज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदियन कोर तमाम नव मुंतखब अराकीनन हुंद नविस पार्लियामेंटस मंज इस्तेक़बाल। यह दौरान तिमो नविस पार्लियामेंटस मंज गोडनिक दोह शुरू सपदन बापत खुशी हुंद दोह करार दियुत। तात सिलसिलस मंज आव अबूरी स्पीकर सिंद तरफ नव मुंतखब मेम्बरान हलफ तुलना। ये जन यमि रेतन सतोहमि तारीख यह सदर हिंद सिंद तरफ मुश्तरक ऐवान खिताब दौरान नव मुंतखब हुकूमत कें प्रोग्रामन तो मनसूबन हिंद हवाल जान गाशराव। तो अठोहमि तारीख ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सिंद तरफ नवेन काबीनी रुफकान हिं जान दिन अलावा इन वालन त्रेन रेतन दौरान तुलन वालन इकदाम हुंद खुलासे पेश कर। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। साथियों, संसदीय लोकतंत्र में आज का दिवस गौरवमय है। यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों,
यपर आई हिजब इख्तिलाफ मंज कांग्रेस क्यों रुकन पार्लिमानो तरफ पार्लिमेंटस नेबर कन एहतिजाजी नारबाजी करना या दौरान तिम मुल्क के आयीन बापत पनि जदोजहद जारी थवित नारबाजी करान रुकन पार्लिमान राहुल गांधीन वोन अथ मौकस पेट मीडिया सत कत कर तिम दिन कुन ति सूरतस मज मुल्क किस आयीनस तब्दील करनुक इजाजत तो तिमन हिज कोशिश रोजि अथ मामलस खिलाफ आईवानस अंदर ति बदस्तूर जारी। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर संविधान पर कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने संदेश जा रहा है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। पार्लिमेंटस मज तुल जम्मू कश्मीर क्यो दयो नवमुंतखब मेम्बरों तसत रुकन पार्लिमान हलफ तो अत सिलसिलस मज तुल नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर तो श्रीनगर बडगोम पार्लिमानी निशस्ती हिंद मेम्बर आगा सईद रुहलान तशि जबान मज बसत रुकन पार्लिमान हलफ ये जन अनंत नाग राजौरी पार्लिमानी सीट पे कामयाब सपदम मेम्बर मियाँ अलताफ अहमदन उर्दू जबान मज बसत रुकन पार्लिमान हलफ तुल महदी उस लोकसभा हूं मेम्बर मुंतखब करनास खुदावन ताला सिंदिस नाउस पे हलफ तुलान जो बात किस आयीनस पे उस कानून किन कईम सपदमुत पोज एतिकाद बरोज अम आयीन वफादार बे थाओ बात सरदरी तो सलमियत बरकरार तो बुद दिम तिम फरेज ईमानदारी सान अंजाम ये मैं सुपोज सब्दन वेल छु। मैं मियाँ अल्ताफ अहमद जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है खुदा के नाम से हलफ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो कानून के बामोजब तय पाया है एतकाद रखूँगा और इसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इक्तदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज वफादारी से अंजाम दूंगा। नीट कन हाल ही इम्तहान मज पेपर लीक सपदन किस मामलस मज मरकज तरफ तुलना आमत इकदाम खैर मकदम कर सबक पुलिस सरबराह एस पी वेदन वोनमुत डी जी तब्दील कर नो डी जी तैनात करनस पे तिहद खुशाइन कदम करार तमो दुत तमो वोनमुत पेपर लीक कर मामलस मज मुलवस अहलकार खिलाफ गि सख्त कारवाई अमल मज अनित हक वलिस हक फराम सपदन यह कथ बावन लायक नीट इम्तहान मज पेपर लीक सपदन पत मरकजी सरकार सी बी आई एस तफ्तीश कर पुशरम ये जन सरकार तरफ आइंद बापत कानून बनवित इथन मामलन मज मुलवस नफर दह वरी कैद तो अख करोड़ रुपये जुर्मान रिंग वसूल कर हुकुम जारी कर आमुत। देश का भविष्य उसके एजुकेशन सिस्टम पर डिपेंड करता है, उसकी क्रेडिबिलिटी पर। क्या हम आप बने बच्चों की भविष्य से खेल सकते हैं? जो चीज़ नीट के एग्जामिनेशन में हुआ, जिस तरह के पेपर लीक्स कुछ पिछले दिनों में हुए, ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो तीन चार अच्छे कदम इसमें लिए हैं उनका हम सभी वेलकम करते हैं। जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डी जी को हटाया और नए डी जी लगाए, इस एक हाई पावर कमेटी बनाई गई जिसकी अध्यक्षता में ये बताया जाएगा कि किस तरह से ऐसे लीक्स को रोका जाए। इसी तरह एक नया कानून लाया जो एक सख्त कानून रहेगा अगर कोई ऐसा लीक करने की कोशिश करता है उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए, जिसमें 10 साल की सजा का प्रोविजन रखा गया। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छे कदम। अमरनाथ यात्रा मुनद सपदन के हवाले सपज गांधरबल के मिनी सेक्रेट हालस मज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अहतमाम अक मीटिंग हूँ सज यमिक दुसलाब जिला तरकियती कमिश्नर गांधरबल सिंद तरफ मीटिंग
हुंद मकसद ती गाश रवित करनाव मीटिंग मज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन हिंद सीनियर कंसल्टेंट मेजर जनरल वी के नायक सान पुलिस तो फौज अलाव दोयम ओहदेदार ती मौजूद मीटिंग मज आई यात्रा मुनक्कद सपदन दौरान कुनी किस्मच मौसमी सूरत हाल तब्दील सपदन या कांह सड़क हादसे सपदन के हवाले इंतजामियाज फूरी कंट्रोल रूमन सत रबत कायम करने सान फूरी कार्रवाई करने बापत हिदायत दिन बड़गाम के बीरू इलाकस मज मौजूद दरियाओ मंज सेख्त बाजर कड़ने के हवाले हाई कोर्ट तरफ पाबंदी आयद करने के अहकामातों बावजूद छ नाले सुखनाग मंज बिला खौफ बाजर तो सेख कड़नुक मामला नजर गसान अति रोजन वाले लूकन हुंद वनुन छु नाले सुखनाग युदवे ताज़ तो साफ आब दस्तियाब करने सान ट्राउट गार्डन हिंद वाहिद मरकज तस्वुर सपदान तति मकामी लूकन इल्जाम ज मुतलक महकम सलित मिलित अत सेख्त बाजर नाले सुखनाग मज कड़ित कानून बालाई ताक थवान यम कि न सिर्फ मकामी लूकन योत मुश्किल बुत सपदान बल्कि अमुक असर ट्राउट गार्डन हिंदिस पैदावार पे हदस तम पेवान ज़िले कुलगाम कन मुख्तलिफ इलाकन मज मौजूद मेव कुलन मज मुख्तलिफ बेमारी वथन खदश बवित कुमिलो मुतलक इंतजामियास इलाकन मज टीम सोजन मुशाह कर मांग कर यह कथ बावी लायक जमि वरी मेव बागन वह नुकसान सपदन किन कुमिलन हिंद मुताबिक मेवस मज तूर तो अत सिलसिलस मज ज़िले कुलगामस मज मुतलक महकमिक अफसरन कुमिलन बामरन कह तरूरत महसूस कर मुतलक महकम समेशा रबतस मज रोजन तलकिन करम ताहम तमो मशवर दिवान वोनमुत कुमिलन पजन पन बाग गास निश साफ थवित कुलन हुंद ते खास ख्याल थवुन से सभी आर्टिस्ट साहब हैं जो भी हमारे प्लेन एरियाज हैं वहाँ पे अल्टरन एरिया का बहुत सारा बहुत ज़्यादा असर रहता है क्योंकि वहाँ पे जो मॉइस्चर कंटेंट वगैरह है वो ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी भी उनसे गुजारिश की थी कि अपने बागों में जो आपका ग्रास है वहाँ पे ज़्यादा ग्रास रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ह्यूमिड कंडीशंस को कंट्रोल करने की वहाँ ज़रूरत है ताकि हम अल्टरन एरिया जो बीमारी होती है जो अगस्त या जुलाई के एंड में थोड़ी बहुत तबाही मचाती है तो उसको हम कंट्रोल कर सकें लेकिन फ़िलहाल जो भी हमारे आर्ट साहिबान हैं जो सुप्रेश रूल फॉलो करते हैं वहाँ पे हमने देखा है कि वहाँ पे ऑलरेडी बीमारियाँ चक्र हैं तो वहाँ पे कोई फैलाव की हमने नहीं देखा है तो रही बात दूसरे डिजीज जितने भी डिजीज हैं यहाँ पे तो जहाँ जहाँ भी महकमे के साथ रबते में रहे हैं लोग और वहाँ पे हमने काफ़ी इसका जो है फैलाव कम देखा है और डिजीज़ कंसंट्रेशन भी बहुत कम देखी है तो गुजारिश मेरी यहाँ पे सभी आर्टिस्ट साहिबान से यही रहेगी कि आप हमेशा जो भी हॉर्टिकल्चर का अमला है नज़दीकी अमला है वहाँ उनसे राबता में रहने की ज़रूरत है चाहे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जो हमारे प्लांट हेल्थ क्लिनिक चलते हैं नाजरीन खबरनामुक सिलसिलो जारी है तमो तजारती वक्फ तो रिजू वुछान वॉइस टेलीविजन उर्दू और भी खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय आप भी पीजिए सिलेक्शन ऑफ ईच स्टॉक ऑफ चिली वन बाय वन बाय हैंड मेक्स अथफर चिली मोस्ट रिफाइंड टर्मरिक इज हैंड पिक्ड एवरी अरोमा ऑफ फेनल इज प्रिजर्व्ड The intense sorting and cleaning makes the Adfar spices the best. Adfar spices keep your family away from any kind of adulteration. And we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Adfar spices and keep your family in best health and taste. जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर नाजरीन खबरनामस मज तुम दोबारा खैर मकदम पेश मजीद खबर सोपरे के गौसिया कॉलोनी नूरबाग क्यों रोजन वालों शिकायत बम चन बाप दरकार नाकबिल इस्तेमाल आव फराम सपदित सपदन सत रोजन वाले लूकन रंग रंग मुश्किल वतरन पेवान ये जन गंद नाले हुंद आब रन पाखन बापत इस्तेमाल कर सन मज मुख्तलिफ कस्म बेमारी वथन तो खतर लाक सपदान लूकन हुंद इल्ज़ाम बच्चन हिंद बेमार सपदन पत इंतजामियास इतला दिन बावजूद
कहगर कदम तुलने ये जन लूक मांग है जलाकस मज रोज वाल लूकन साफ आब फराम करना अलव ग ड्रेनेज सिस्टम ठीक कर यूथ नम वालस वक्त मज कशानी बुत सपद। मैं आपका खैर मकदम है और इस वक्त मैं गोसिया कॉलोनी नूरबाग सोपोर में मौजूद हूं और यहां पर लोगों का इल्ज़ाम आए ये है कि यहां पर जो है अब बच्चे इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं, जो कि पानी से जो बीमारी जो बच्चों को लगती है। और ये यहां पर पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पर बच्चे लगभग 15 से 20 बच्चे जो है इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं और जो पिछले 15 दिन से लगातार बीमार है। और इन लोगों का ये इल्ज़ाम है कि यहाँ पर हमें पीने का पानी जो है वो मैसर नहीं किया जाता है। और उसके साथ साथ अगर हम ड्रेनेज की बात करें, यहाँ पर डेवलपमेंट के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि सोपोर के अंदर डेवलपमेंट है, लेकिन उसी हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम इस गोसिया कॉलोनी की बात करें, जो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम है वो बिल्कुल फेल है। काफ़ी ज़्यादा बदबू जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है और काफ़ी ज़्यादा अगर हम देखें यहाँ पर अब बच्चे जो है बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। और अब इन लोगों का क्या कहना है, आइए इस हवाले से इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वनस अगर जो बेमारी हूँ वनस बचन मे बेमारी अख लिज ये कम्बल वन कम्बल वनस ये ज्यादा बचन पोडर त्रम त्रावान सी जंगा लगा बानन वान हो ये अच्छे चन खत आब नलका आब कहीं तमाम महल वाले नलके अस गया नलके डिपार्टमेंट तुम दिश पे ग्राम टंडर ये महलस कि वह आज रटा रुख अच्छा कश पे पोस कहें फंड कहें तो रटा रुख नहलस गोशा कॉलोनी नूरबाग सी एस आम टंडर बाजब तो यह सा यह नलकन हूँ तो एज अवकाफ कमेटी कोर्मुत मे फर्दन नहीं कह आमुत मुमिन आबादस मगर मुमिन आबाद आव त्रान पर यह सरस गोशा कॉलोनी नूरबागस मे नजरअंदाज वुछान वो जनाब अर्ज कश पे अगर तुम योर आमु तु कर पे कश पे चल कर शो ये ए डी सी अगर गो ए डी सी यह बड़ असल ए डी सी बड़ असल शुक्र गुजार ए डी सी तुम तुम वैस अमिस फोन पे कत सी योर इनशाला अनवान तेज इनशाला मगर ये इरीगेशन करान कहें वो कह ग इरीगेशन तुम चुनाव आर एम एस गर एम एस तुम चुनाव मुनसपलटी गुनसपलटी कि लिखित बाजत बह हाँ तुम काकस बहुत माज नमाज बायन बहुत तहद जरिए तहद चैनल हिंस वसादत के जरिए गस वन सी आवाज़ गवर्नमेंटस तान सान बचन करो नजर अंदाज कहीं सान जानन मह करो नजर अंदाज कहीं सन मर्द तो द्रामित बाजर सुबह नीन खुद ये तुम जीन और बेमार दरी लागन सन बचन फ्यूचर क्या बन सी बच्चे पाना प्राइवेट स्कूल मैं करा गरीबी हिंद दह बसर वन पर्न प्राइवेट स्कूल में बनान जान इंसान कि अम स गमेंटस तो फायदे अगर हम असल बन मगर ये सान बचन जिंदगी सब खिलवाड़ यी कर सहूलियत हिसाब आब गए किस आब जान सीम स जिंद रोजान हर कह सिलन तम खुद गवर्नमेंटस करा अपील कि सी आवाज बूझ गई लगभग 14 वरी मान नजर मे गई मे 14 वरी वह वन नलका आब तक फिल्टर करा तक तो पूर फिल्टर सी हमसाय घर पत् गो दो बुत मन छत तुम मंगने कंसि पन्नी गुजार पन्नी गुंजाइश टैंकी मे थो कन्स फैमिली यूज कहें नौकर वह गवर्नमेंटस अपील कर अगर घर घर वाथ नलका दिन वाथ तमे हिसाब गुजार कर ड्रेनेज सिस्टम सारे खुद बड़ बमारी ड्रेन दरवाज तेल पकान बहुत इक्या बसान इक मे ड्रेन अच्छा सोरी गंदगी अचान अंदर मामूली हवा कर मुशुक अंदर अचान मह अंदर अचान अम कल हिंद मच्छे अचान अंदर अम मूजूब ज्यादा बेमार पे टाइम बचन बेमार ये गो बचन लगभग जून पे बेमार मे निच ग लगभग सुबह गा 15 दो अमिस निकस गो मे 1 जून पे मगर अस सन अत कहें अमिश कम्बल अमिस डहरिया लूज मोशन अमिस आब कमी गमत तो अस कूर अस दिस बिस्लरी आब ओन अस बाजर मूल बहन शतन ओन मे ये रतस मे आब। उड़ी मज बिजली हिंदिस फीसस मज वारिया ज्यादा हुरियर करने किस मामलस खिलाफ रूद आज ती लूको तरफा अति एहतिजाजी हुन सिलसिले जारी यत दौरान मुजाहिरीन मुतलक महकमस खिलाफ नारवाजी ऐसि करान मुजाहिरस मज शामिल लूकन हुन इल्ज़ाम छु जे अकिस वरियस दौरान आई महकमे बिजली हिंदि तरफ शोगनु हुरियर फीसस मज करने यम किन अति रोजन वालन लूकन जहनी परेशानी सपदन अलव मुश्किलात ती वेतरिन च पेवान अत सिलसिलस मज मुजाहिरीनो एल जी इंतजामियास मुदाखलत करित अवामी मुश्किलात दूर करने बाबत कदम तुलनच अपील करमच। हमारा बिजली डिपार्टमेंट से ये मुतालबा था, एल जी एडमिनिस्ट्रेशन से ये मुतालबा था, हमारी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा एक मुतालबा था कि हमारे जो हाइक किए गए हैं
तीन महीने चार महीने के अंदर हम 300, 110 और 300 का जो बिजली का किराया था, बिजली की जो फीस हम पे करते थे, उसको बढ़ाते हुए कुछ 600 गुना ज़्यादा बढ़ा के अब इसका 1500 से 2200 तक इन्होंने लिया है। तो हम इनसे मुतालबा कर रहे थे, हमारा प्रोटेस्ट इसलिए था कि हमने हमेशा उड़ी में चार पावर प्रोजेक्ट पूरे देश को रोशन करने वाली उड़ी, खुद चार चिराग तले अंधेरा, हमें पावर होता नहीं है। पावर ना होने के बावजूद इन्होंने खाली मतलब एक ट्रांसफार्मर एक एग्रीमेंट के नाम पे ये पैसा बटोरते जा रहे हैं, वसूलते नहीं बटोरते जा रहे हैं। मैं आपको ये कहूँ कि बटोरने का मामला ये है, हम अगर कहीं पे चाय पीते हैं तो चाय का 10 रुपये का कप है, चाय पियेंगे तो 10 रुपये देंगे, हम बगैर पावर के 1600 बगैर पावर के 2000 रुपया दे रहे हैं, इसलिए हमारी डिमांड थी। नाज़रीन खबर नामुक सिलसिलो जारी ये दिमो ब्या तजारती वक्त तीत सपदी बे मुलाकात तुरीजू वुचान वॉइस टेलीविजन उर्दू। खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का, ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए, सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास लज्जत का हल्दी पाउडर। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार, और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार, और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। नाजरीन खबरनामस मज तुद दोबारा खैर मकदम पेश मजीद खबर। जिले राजौरी हिंदी वार्ड नंबर त्रेको बस्किनदारों म्युनसिपल कमेटी इंतजामियास पे रख खोलमुत जोदवे अत मुतलक इंतजामिया तरफ अपर अख ड्रेन तमीर करनिश कम दरदस निनाय, तहम अपर गुजरान वत पकवु वत पोद आसन बावजूद अति जाय जाय छोट डेर जमा करित लूकन हिंदी बापत मुश्किलात खड़ा करना आमुत। लूकन वनन सेहतो सफाई हुंद कां खास ख्याल न थवित अति रोजन वालन लूकन मज कहीं या बेमारि वतन खतर लाक सपदान, तो अति रोजन वालों लूको जिले तरकियती कमिश्नरस अपील करमज तम ग पान बजात खुद ओर यथ पान हालात साम हेत लूकन हिंद मुश्किल दूर करने बापत कां संजीद कदम तुलन। दिक्कत हो रही है यहाँ पे, ये पीछे से नाला बना हुआ है सर, और यहाँ पे देखो सर ये पानी यहाँ पे भरा हुआ है, ये आगे निकलने की कोई जगह नहीं है सर, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है हमारी कि ये नाला पूरा बन जाए और यहाँ पे रास्ता भी आवाम को निकलने के लिए दी जाए सर, इससे बहुत तंगी होती है हम लोगों को, निकलने से बहुत दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ती है, और यही मेन रास्ता जाता है हमारे मोहल्ले को सर। सर यहाँ पे बच्चे भी निकलते हैं और बुज़ुर्ग भी निकलते हैं, सब इधर उधर टहते। नंबर 3 के यहाँ आप रास्ते की हालात देख सकते हो, यहाँ से अगर कोई स्कूल जाए, अगर कोई मस्जिद में जाए नमाज़ पढ़ने के लिए जाए, वो गंदगी से अगर गंदगी हरे बंदे के लग जाती है, फिर यहाँ से रास्ता भी नहीं है, बरसात इतनी होती है और उस दिन भी नहीं यहाँ से रास्ता मिलता। लिहाजा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की से गुजारिश है कि DC साहब से भी गुजारिश है, वो पहले भी आए थे, इस हल निकाला जाए। पीछे नाला बना हुआ है, वहाँ से पानी आता है, मगर जो सारा पानी आता है वो इधर ही। देखिए ये वार्ड नंबर 3 पड़ता है, भीला ब्रिज जो नया ब्रिज बना है उसके सामने सीधा नीचे ये जगह है, यहाँ पे लोगों का रास्ता भी, यहाँ कम से कम 5 से 10 हज़ार लोग रहते हैं जो डेली यहाँ से गुजरते हैं, और स्कूली बच्चे जो हैं वो भी यहाँ से, हर मतलब बुज़ुर्ग बच्चे सब यहाँ पर बड़े बुरी हालत से यहाँ से गुजरते हैं। DC साहब से रिक्वेस्ट की थी पहले भी, DC साहब खुद भी आए थे यहाँ पर, उन्होंने ये मौका देखा था, उन्होंने कहा था कि ये 10 से 15 दिन के बाद ये काम शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी 7 महीने हो चुके हैं तो कोई काम का कोई हल नहीं निकला हुआ है। यहाँ पे जो मौजूदा जो सूरत है यहाँ पे इतनी बुरी हालत है, क्योंकि गर्मियों है बहुत ज़्यादा, स्मेल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बीमारी जो है बहुत ज़्यादा फैल रही है यहाँ पे, लिहाजा हमारी DC साहब से ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा इसको पैन ले के, ताकि म्यूनसिपलिटी इतना नाला पिए पानी है ना, तो असी तल चढ़ नहीं सकने, मजबूर हो जाने, छुटे ने उठने,
ते फिर चुप हो रहे ने टालनी नहीं होना तो तुसें इत्थे रस्ता कोई नहीं है कोई रस्ता नहीं है ये रस्ता तो हुन बंद हो गया नाला पिछू पानी ना आया तो बंद हो गया हुन तुस क्या चाहने हो हुन चाहने हां भाई गवर्नमेंट को बड़ी गल है कि आखिर आवाम वास्ते राह देता जाए असन राष्ट्रीय सैनिक संस्था के अहतमाम सपूद टंगमर्ग हिंदिस टाउन हालस मज अक तकरीब हुन सज यथ मज शामिल राष्ट्रीय सैनिक संस्था के कौमी सदर वीर चक्र नायक तुजंदर पाल त्यागियन तकरीर करित जम्मू कश्मीर मज मिलिटेंसी पेट रोट लागनस पेट जोर दुत मीडिया सत कथ कर कौमी सदर सिंद तरफ जम्मू कश्मीर मज गिकस मरहलस पेट लेफ्टिनेंट गवर्नर तब्दील करित फौजी गवर्नर तैनात कर मांग कर जन सरहदस नखस सबक फौजी जवान बस्किंदर बनाने की मांग दोहराव आई तिहद वन सरहदस नख रोजन वाले लूकन मे मिलिटेंटन हिंद मुआवनतकार यानी स्लीपिंग सेल मौजूद यम सिर्फ सबक फौजी जवान हिंद अत रिहायशी सपदित खत्म सपदन त्यागी है मैं 1971 के युद्ध का वीर चक्र प्राप्त ऑफिसर हूं और मैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं आज अपने देश भर के शीर्ष प्रतिनिधियों के साथ जम्मू एंड कश्मीर में अल्लाह को साक्षी मान के आतंक को खत्म करने के इरादे से आए हैं। पिछले 3 दिन में हमने श्रीनगर के SKIC सेंटर में प्रोग्राम किया, कल हमने पहलगाम में किया, आज गुलवर में किया। हमारा मतालबा है कि सबसे पहले तो यहाँ के गवर्नर को बदला जाए, यहाँ पे फौजी गवर्नर को लगाया जाए, क्योंकि वो समझता है कि एक फौजी की रिक्वायरमेंट क्या है और आतंक को मिटाने के लिए क्या ज़रूरी है। हमारा दूसरा सजेशन है कि यहाँ यूनिफाइड सिंगल कमांड हो, ये नहीं कि कुछ फोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ होम के, कुछ फोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के और कुछ J&K की पुलिस के। और हमारी तीसरी डिमांड ये है और जो लॉन्ग टर्म है कि यहाँ की सरहदों पे जो जगह है, जो गांव है जहाँ स्लीपिंग सेल पनपते हैं, वहाँ पूर्व सैनिकों को जो कर्तव्य निष्ठा अनुशासन और ईमानदारी के श्रीनगर की बुहरी कदल इलाकस मज सपूद नारकिस अकिस वारदात मज तमी विज बाजार मस्जिद हिंज इमारत वारिया नुकसान ये अत अचानक नार जर सपदन किन नारन सारी इमारत पन्नस जदस मज दी अत सिलसिलस मज योदवे नारस पेट कोबू प्रावन बापत मकमी लूकन सान महकमे फायर एंड इमरजेंसी अमल तरफ सठा मशक्कत करनाई तहम नार वारिया तेज आसने किन सपूद मस्जिद हिंज इमारत दोशवनी पोहरन नुकसान ये जन नार लगन असल वजह मोलूम हुक् फौरी तौर सपदित तहम आखिरी इतलाह मुताबिक अत नार वन बदस्तूर जारी ज़िले बड़गाम च मशहूर सयाहती जाए नील नाग जज़्बे नज़र बनाने बापत युद्वे इंतजामिया तरफ कहिया इकदाम तुलमती तति अमे हवाले ओर इन वाले लूकन हिंद मुताबिक मजीद कदम तुलन वक्त अहम ज़रूरत युद्ध सयाहन हूँ जोन नील नागस मज फिरत अत कदस तम बेरोज़गारी नौजवान हिंद मुताबिक अत रोजगार सबील तिम सपदन तुमकिन सपद तहम अत मौजूद सयाव इंतजाम शुक्रिया करान वोनमुत पतमि लटि खोत यमि वरी अत कदस तम डेवलपमेंट करनामच ये जन नील नाग साफ सफाई अमल मज अन बापत मजीद कदम तुलन जरूरत है नाजरीन विजबलस वह तो तमत गलत अम बापत माजरत खा तो नाजरीन खबर नाम सिलसिल वो ये अन तो साढ़े अठ सपद तुम सी मुलाकात तो ऐसी तो इजाजत खुदा हवाला।